नहीं आती थी, मजा आता था बढ़िया। नहीं नहीं मजा नहीं आती थी। अरे एक बात बताओ भाई, जब यहाँ मैच खेलते थे ना, ये क्या करते थे, नीचे आउट रख देते थे, और मैं हूँ क्या, मैं हूँ लेफ्ट हैंडेड, नीचे आउट रखते थे तो रन। यहाँ ऊपर भाई एक घट भी है, घट दिखाते हैं आपको, जो पहले के जमाने में चलता था। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूके 13 लवर। दोस्तों मेरा नाम है प्रवीण रथान और मेरे गांव का नाम है पाटी, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अभी मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं यहां टिकटा से, टेकनपुर से, जो हमारे गांव के ठीक सामने पे है जो गाँव। अभी हम यहाँ आ रखे हैं, ये भाई लोग हैं पीछे जिस सामने पे हैं, एक गधेरा वहाँ पे, वो बाइक धो रहे हैं। अब तो पहाड़ों में काफ़ी ठंडा हो गया है, शुरू बर्फबारी भी शुरू हो गई है, जो साल की फर्स्ट बर्फबारी थी वो परसों ही हुई थी। शुरू क्या होना आज तो एकदम मौसम भी साफ है, एकदम मस्त धूप लग रखी है, हर तरफ मस्ती करते हुए। पत्थर की लड़ाई हो रही है इनके बीच, फोन डिस्प्ले वाला घर जैसे था। देखो ऐसा कुछ है आज का मौसम। ये सामने रहा उछोला, उछोला की घाटी, जो ये वाला नेटवर्क है ये हमारे यहाँ भी यही काम आता है, जो कि हमारे यहाँ पे जो ये चार पांच गांव है यहाँ, यहाँ नेटवर्क बहुत कम ही रहते हैं, इस कारण मैं भी ब्लॉग अपलोड करने के लिए डेली यहाँ आता हूँ। यहाँ पे है अपना गांव घर, यहाँ यहाँ से आता हूँ मैं इस वाले रोड पे, इस वाले मोड़ पे आता हूँ, यहाँ से दिखता है सामने ठीक ये उछोला का नेटवर्क, तो यहीं पे होती है अपनी अपलोडिंग का काम। ये है सामने टेकनपुर टिकटा, और यहाँ ऊपर है थपोनी, जो ये सामने दिख रहा है ऊपर एकदम चोटी में। हमारे यहाँ तो हर मोड़ पे गधेरे हैं, जहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है। ये लगे हैं अपने साथ वाले यहाँ पे बाइक धोने पे। यहाँ ऊपर भाई एक घट भी है, घट दिखाते हैं आपको, जो पहले के जमाने में चलता था। ये है जो सामने दिख रहा है घट, गढ़ वाली चक्की है ये, फिलहाल बंद है ये। यहाँ पे एक कनाली भी हो रखी है एकदम बिच्छू घास, ये तो यहाँ से बंद है। देखो यहाँ है इसकी नहर, जहाँ से पानी आता था, यहाँ यहाँ तो बंद हो रखा है। यहाँ नीचे दिखाते हैं जहाँ इसकी मोटर चलती है, वो वाली लकड़ी की, ये देखो ये रही वो जो घुमाती है पत्थर को पानी से। अभी तो ये जाम हो रखा है पुल, ये ऊपर से आ रही है वो वाली नहर, जैसे पानी का फोकस पड़ेगा इस पर और ये घूमेगा ऐसे, फिर ऊपर पिसेगा गेहूं। देखो जो ये पत्थर है ये सामने पे, ये चौक के लिए हैं, एकदम काट के तैयार किए गए हैं मिस्त्रियों के द्वारा, जो कि हमारे यहाँ ये काफी मात्रा में मिलते हैं, बहुत ज्यादा। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं वहाँ टेकनपुर से घर, खाना खाना खा के घर से, अभी हो चुके हैं करीब 4 बजने वाले हैं। अभी हम जा रहे हैं जहाँ हम पहले मैच खेला करते थे, बुगला ग्राउंड में। देखो ये स्कूल वाले बच्चे भी आ गए घर, अपने सब्सक्राइबर हैं सब। तो ये है वो ग्राउंड जहाँ हम पहले मैच खेलते थे बुगला में। तो ये भाई लोग बाइक भी यहीं ला गए अभी, आजकल तो यहाँ ऐसे ही हो रखा है, काफी टाइम से मैच नहीं खेला, इस कारण पूरी घास हो रखी है फील्ड में। यहाँ पे ये मशीन भी है जो पत्थर काटती है। हेलो
गाइस तो हम पहुंच चुके हैं अपने होम ग्राउंड में बुगला स्टेडियम में। यहाँ हम मैच खेलते थे, पहले खेलते थे अब नहीं खेल रहे। ऐसे ही लड़के कम होने के कारण प्लेयर पूरे नहीं हो रहे, इसी कारण से अब यहाँ मैच नहीं खेलते। मजा बहुत आता था, मजा आता था भाई। हाँ, इसकी बारी नहीं आ रही थी, मजा आता था बढ़िया। नहीं नहीं बारी आती थी। अरे एक बात बताओ भाई, जब यहाँ मैच खेलते थे ना, ये क्या करते थे, नीचे आउट रख देते थे, और मैं हूँ लेफ्ट हैंडेड, नीचे आउट रखते थे तो रन बना नहीं पाता था। तो भाई कौन जाएगा इतने नीचे गेंद देने के लिए, यहाँ से नीचे जाती थी गेंद गधेरे में। अरे नहीं भाई, ये जो इन प्लेयरों से तो लाख गुना बढ़िया खेलता था मैं भाई, नीचे आउट भी रखते थे। यहाँ पे बैठ रखे हैं भाई लोग, अभी आग सेकेंगे थोड़ी देर तक, फिर जाएंगे घर, क्योंकि बारिश भी आने वाली है। अभी मौसम एकदम पूरा खराब हो रखा है। देखो मैच कब का खत्म हो गया, यहाँ बहस अभी तक चल रही है। दोस्तों मैं आ चुका हूँ रोड से घर पे अभी थोड़ी देर पहले। देखो यहाँ बाहर एकदम बारिश शुरू हो गई है हल्की फुल्की। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में।